कॉन्ग्रेचुलेशन लंबिया लंबिया रातें गाना हमने देखा, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर, आप हमारे इस स्वीकर्ता धंधा है संजय संध्या जी, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सके, इस गाने के बारे में सबसे पहले आइडिया कैसे आया इस गाने को? बहुत सारे गाने आपने लिए हैं इंडस्ट्री के जी। तो हमें बेसिकली मेरे मन में था एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ से इस तरह के नए टैलेंट्स जैसे श्रद्धा मिश्रा हैं और शगुन सोढ़ी हैं और भी काफ़ी आर्टिस्ट अभी हमारे इस चैनल से आने वाले हैं, तो वो जब नए आर्टिस्ट कुछ गाते हैं उसके अंदर एक जो उनकी जो मासूमियत होती है, तो उस तरह के गीत कुछ ऐसे बनाए जाएँ जो सबके दिलों को अच्छा लगे। और तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत अच्छी पोइट्री, तो हमने सोचा कि सबसे अच्छे शायर को बुलाना चाहिए, तो हमने फिर शकील आज़मी साहब से बात की इसके बारे में और शकील आज़मी साहब से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ नए बच्चे हैं और सारे इन लोगों को हम ये प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। शकील भाई को बहुत अच्छा लगा आइडिया और फिर उन्होंने ये गीत लिखा लंबियाँ लंबियाँ रातें। और इसमें ये जो गीत है ये इस लव सॉन्ग बेसिकली, और वो प्यार जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती, तो जब आप किसी को प्यार करते हैं तो वो आप ये चाहते हैं कि बस उसके बारे में सोचते हैं कि वो कैसे खुश रहे, वो कैसे उसको मैं कैसे रिझाऊं, अपने बारे में आप कम सोचते हैं व्हेन यू आर इन लव। तो ये उसी तरह के कुछ गीत हैं और जो अभी आपके सामने आएंगे, जो पहला गीत है लंबी लंबी रातें, और शकील भाई ने इसमें बहुत, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शकील भाई का कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है और इन बच्चों को सपोर्ट किया है और इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया है, इस चैनल को सपोर्ट किया है। शकील जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड लेजेंड है आप हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। जब इस तरह से गाना आया आपके पास, रोमांटिक सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, क्या कुछ फीलिंग हुई एंड कैसे क्रिएट करते हैं आप इस तरह से अल्फाजों को जोड़ के, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि संदेश भाई जो इस गाने के कंपोज़र भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, ये मेरे बहुत पसंदीदा कंपोज़र हैं, तो इनके साथ काम करना ही मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा और मेरा बहुत मन था इनके साथ काम करने का। ये और बात की ये अपने सभी साथियों की तारीफ़ करते हैं जो इनके साथ जुड़ते हैं, और ये हर अच्छे कलाकार का लक्षण होता है। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्योंकि संदेश सांदलिया जी मेरे लिए बहुत ही बड़े एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनके ही साथ काम करना एक अपने आप में एज एन आर्टिस्ट बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। और जैसा कि हम लोगों ने पूरा म्यूज़िक सुना है संदेश जी का, उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी सॉन्ग्स दिए हैं हमारे हिंदुस्तान को और सब लोग पसंद करते हैं। और सबसे ख़ास बात इस गाने में शगुन और श्रद्धा ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है और बहुत अच्छा गाया है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जब ऐसे लोग जुड़ जाते हैं ना, जब कमाल के टैलेंटेड लोग, उनके साथ काम करना अपने लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कैसा रहा एक्सपीरियंस सर के साथ में, बहुत सारे लेजेंड गाने दिया है जो अभी भी लोगों की जुबान पे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा, स्वरूप जी ने कहा टैलेंटेड, लेकिन एक्चुअली स्वरूप जी ने जो पहले सोल दे दिया गाने को, वो सुनते ही हम वहीं पहुंच चुके थे, हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक सिंगर को कैरेक्टर में रहना पड़ता है और स्वरूप जी He showed us the way. We were there. Thank you so much. Swaroop ji is like whole package. Yeah. इतनी energy वो लाते हैं, हमने पहली बार उनके साथ set पे काम किया है। हाँ, और इतनी ज़्यादा energy की उनकी energy थोड़ी थोड़ी हमें भी मिली और हमने भी थोड़ा थोड़ा perform किया है। तैयार है और बहुत अच्छी तैयारी इन लोगों की। मैं दुआएं करता हूँ कि श्रद्धा शगुन हमेशा तरक्की करे, आगे बढ़े और ऐसे ही बहुत सारे सुपर हिट गाने देते रहे। बिल्कुल लंबिया राता लंबिया राता
जब चांद झूमर से कोई टूटे तारा सा एक चेहरा झलक जाए आँखों में प्यारा सा।